अभी मान गिर गई थी, जान निकल गई मेरी, मैं भूल जाती हूँ इसलिए नहीं करती। मुझे थोड़ा शौक थोड़ी है भैंस जैसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था वॉइस ओवर के साथ हम मेकअप कर रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा वॉइस ओवर के साथ ना किया जाए, आज ही हम मेकअप करते करते बातचीत भी करेंगे। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस क्लिप के बाद वॉइस ओवर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जी बातचीत करेंगे। जो मैंने लेंस लगाए हुए हैं ये है जी मेनरिकन के मिडनाइट स्काई, शायद इस तरह का कोई नाम है। ठीक है जी, चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। तिब्बत कोल्ड क्रीम, इसको मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल करने लगी हूँ। तिब्बत स्नो तो मैंने यूज़ की हुई है, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल करनी है। ये आज मैं लेके आई हूँ, ये देखें जी, इसको हमने खोली है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अच्छा तैयार होने से पहले हमेशा अपना हेयर स्टाइल आप लोगों ने बना लेना है आसानी के लिए। देखें मैंने अपना हेयर स्टाइल और डन कर लिया, सिर्फ मेकअप करना है। हेयर स्टाइल बना के मेकअप बहुत अच्छा होता है। जब मेकअप करके हेयर स्टाइल बनाते हैं तो सारी एनर्जी हम मेकअप पे लगा देते हैं, और जब हेयर स्टाइल की बारी आती है हमारे पास एनर्जी होती ही नहीं है और हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनता। और जी हेयर स्टाइल अच्छा ना बना हो तो हम अच्छे नहीं लगते, हमारी लुक अच्छी नहीं बनती। बेशक जितना मर्जी अच्छा सूट पहना हो, जितना मर्जी अच्छा मेकअप किया, मुझे लगता है कि जब तक हेयर स्टाइल ऑन द टॉप पे नहीं ना होता तो हम टॉप के नहीं लग सकते। इसलिए हमने पहले ही हेयर स्टाइल के कर्ल्स कर लिए तसल्ली से। कर्ल्स की ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, या मैंने अपलोड कर दिया होगा या मैं अपलोड करूंगी। ठीक है जी, उसके बाद जी हम सूट बाद में पहनेंगे। ठीक है, इसको हम रख देते हैं साइड पे। सबसे पहले हम जी मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। मुंह धो लिया है और मैंने वेजलिन भी लगा ली हुई है लिप्स के ऊपर। खुशबू तो अच्छी है, देखते हैं इससे बेस किस तरह बैठती है। ज़्यादा ही लगा लिया ना, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे बहुत ऑयली है जी। हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, खुशबू बहुत अच्छी है, क्रीम भी बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइज भी बड़ा अच्छा कर रही है। मुँह लाल हो गया थोड़ा सा ना, है ना, ये मुझे फील हो रहा है, रेड रेड हुआ थोड़ा। अच्छा जी, ऑयली काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, जिनकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है वो बहुत थोड़ी लगाएं। मेरा ख्याल है ज़्यादा लगा लिया तो हम अपने हाथों पर इसी को लगाएंगे, क्योंकि मुंह से थोड़ा ऑयल ख़त्म हो जाए। नॉट बैड लगा लिया। हम आई बेस बनाते हैं, आई बेस के लिए M1 शेड में यूज़ कर रही हूँ, पम्प से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम इसका मुँह खोल के हमने एक डॉट ये ले लिया। ठीक है जी, अच्छा हम इस क्रीम को तो वैसे भी बुरा नहीं कह सकते, हमारी नानियों दादियों के ज़माने की क्रीम है, बुजुर्ग बंदा है ये क्रीम। ठीक है जी, आई बेस बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर पाउडर लगा कर सेटिंग करेंगे। उसके बाद जी आपने कोई भी पाउडर ले लेना है, ठीक है, और आंखें सेट कर लेनी। आईब्रो ब्रश ले आई, हल्का सा ब्लैक और हल्का सा ब्राउन दोनों को मिक्स करके हम आईब्रोज बनाएंगे। दोनों आईब्रोज हो गई हैं डन। वैसे असल में ना इतनी लाइट है नहीं जितनी शायद ज़्यादा लाइट लग रही है, नहीं ठीक लग रही है, इधर ज़्यादा सही लग रही है, कैमरे में सही क्यों नहीं लग रही, रिंग लाइट है जो है ना। करेंगे जी एक इस तरह के फ्लफी ब्रश पे, मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, जो ये वाला है ना पिंकी सा, ये ले रही हूँ और पूरी आंख पे ये लगा रही हूँ। हमने लगा लिया है, ये देखें जी ब्राउन हमने यूं करके और यूं लगाया, ठीक है, ये देखें, ठीक है, थोड़ा डार्क ब्राउन बना लिए। अगर इतना डार्क ब्राउन आप लोगों के पास नहीं है तो हल्का सा ना ब्राउन कितना ब्लैक मिक्स करें, पहले ब्लैक लगाना है फिर ब्राउन लगाना है, फिर उसको हल्का सा इन करना है और फिर आपने मेकअप करना है। अच्छा मेकअप करना वैसे कोई असूल नहीं है, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है आप लोग वैसा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपना मेकअप खुद कर सकती हूँ, कोई पार्लर वाला मेरा नहीं कर सकता, मैं अपना मुंह किसी को नहीं देती। इतनी कोलेबोरेशन मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सैलून्स की आती हैं, आप हमारे से आके मेकअप करवाएं, मैं कहती हूँ नहीं भाई नहीं,
अपना मुंह नहीं मैं किसी को दे सकती क्योंकि शादी पे बुरा हाल कर दिया था सैलून वालों ने, ना मुझे मेहंदी का मेकअप अच्छा लगा था ना शादी का अच्छा लगा था, वलीमे का थोड़ा बहुत ओके था। मेरा मुंह ऐसा है कि मैं खुद ही मेकअप करूँ तो अच्छा लगता है, कोई और मेरा मेकअप कर ले तो मैं एंटी लगती एंटी लगना शुरू हो जाती बहुत ज्यादा। तो ठीक है, हमने ब्राउन कलर ये देखने थी सारा अप्लाई कर लिया अच्छी तरह और ब्रश को साफ कर लेंगे हाथ के बारे जैकेट से नहीं कर रही हूँ, वैस की पहनी हुई है फिर वैस डांटेगा। तुम्हारे पास 609 जैकेट्स हैं लेकिन तुमने मेरी ही पहन ली है जो मैंने पूरे सीजन सिर्फ एक लेनी होती है। अच्छी तरह ब्लेंड करके कोई हार्श लाइन ना आए, ठीक है ब्लेंड कर लिया। अब ये वाला शेड जो है ना स्टोन, इसको हम लेंगे, ठीक है इसको अब हम लगाएंगे। फिंगर की मदद से अप्लाई कर देने से उंगली और इतनी ठंडी है अप्लाई भी नहीं हो रहा। ठीक है जी बस इतना इतना ही, उसके बाद इस वाली आंख पे भी। आप लोग बताएं आप लोग को कब मेकअप करना आप लोग ने शुरू किया, कब सीखा, किससे सीखा। अच्छा कुछ लड़कियों का मसला होता है कि वो सारा दिन घर में आई फिरती भी मेकअप बहुत अच्छा करती है, जब उन्होंने जाना था ना किसी फंक्शन पे तो अजीबोगरीब हो जाती है, और जब किसी को होता है कि जितना लाइट मेकअप करना है लाइट मेकअप के चक्कर में बहुत ज्यादा डार्क उनसे मेकअप हो जाता है, ऐसी लड़कियां में, क्योंकि मेरे से भी शुरू में ऐसे ही होता था लाइट के चक्करों में बहुत डार्क हो जाता था। ये देखें जी हमने ऊपर कर लिया, अब हम लगाएंगे मस्कारा। सबसे पहले हम लैशेस को करेंगे कर्ल, ठीक है जी कर्लर से, और आंखों के नीचे करेंगे बेस लगाने के बाद, ठीक है ताकि ना उपसी अच्छी गया। हाथ इतने ठंडे हैं कुछ हाथ में नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आए कल हो गए तेरे बसाओ तेरे तू दास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हाथ की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। बेस जी लग गई है, अब आंखों को हम सेट करेंगे नीचे से ताकि क्रीजिंग ना हो, लूज पाउडर से, और हमने काजल लगाना ना ब्लैक, मतलब काजल इस तरह के बाहर काजल वाटर लाइन के अंदर नहीं, अफेक्ट देना है काजल का, थोड़ा सा ज़्यादा लगा के बेक कर लेते हैं। ओए होए ये ब्रश लिया, ठीक है जी इसको टक टक लाजमी करिएगा जब काला लगाएं टक टक। अब बिस्मिल्लाह जी इधर से थोड़ा सा छोड़ के फिर हमने करना है इसको, फिर हम स्मोक आउट करेंगे। काला लगा लिया, अब लेंगे थोड़ा सा ब्राउन, ब्राउन को भी टक टक फिर स्मोक आउट हल्के हल्के हाथों के साथ। क्या आ गया एकदम बड़ी लगना शुरू हो गई ना, ये छोटी लग रही है बड़ी लग रही है स्मोक आउट करने से। वेरी नाइस, वेरी वेरी ऊपर वाले को भी कर लेते हैं हल्का सा स्मोक आउट। वेरी 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 नाइस, जैसे हम लड़कियां तैयार होती हैं हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, ओह माय गॉड हम कितने खूबसूरत हैं। एक पेंसिल है नहीं वो टूट गई है, अब इसके पीछे मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन लगाई है और इसको यहाँ के अंदर लगा लूँगी। वैसे ये करना नहीं चाहिए आपस की बात है, ये हैक तो बड़ा वायरल हुआ था, अगर ब्रश साफ ना हो और आँख के अंदर लग जाए
जो बिगनर हो तो बड़ा मसला हो जाता है आंख के साथ, इसलिए मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, किसी अपनी छोटी बहन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो इस तरह करे। बड़ी बहन तो गंदी बच्ची है उसके बाद व्हाइट पेंसिल लिया, मैं व्हाइट पेंसिल लूँगी, टाइम ही नहीं लगता। ये साफ लगा लें आप लोग कि व्हाइट पेंसिल लेने का मुझे टाइम नहीं लग रहा, इस तरह नहीं लगेगी। मैं ना शीशे में लगा के आती हूँ, इस तरह ना फिर इधर उधर चली तो फिर मसला हो जाता है ना। वाइट पेंसिल ही लगा ली है, मस्कारा भी लगा लिया है, ठीक है, लशेज नहीं लगानी। और हमने बिल्कुल अब लाइट सा कॉन्टोर करेंगे, लाइट सा ब्लश लगाएंगे और देखते हैं लिपस्टिक किस तरह की लगानी है। लेते हैं कॉन्टोर के लिए, ठीक है, ब्राउन शुगर ले लिया, ये ना खाना खाने लगी है, इश्तियाक को पकड़ा दो। इससे क्या होगा, जो बेस का चिट्टा चिट्टापन होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। ये ज्यादा ही लग गया साइड पे। ये जी नहीं भरता, ले आए हम हल्का हल्का यहाँ पे बस अप्लाई करेंगे ऑन द टॉप, चीक्स पे नहीं आएंगे हम, बस देखो इसी को ब्लेंड कर देंगे थोड़ा ऊपर थोड़ा कॉन्टोर के साथ, दैट्स इट। सबको मेरे से होता है कि हम ना से क्यों कॉन्टोर नहीं करती हैं, मैं भूल जाती हूँ इसलिए नहीं करती मुझे थोड़ा शौक थोड़ी है भैंस जैसी ना से लेके जाने का कहीं भी मुझे अब याद करवाते रहा करें। कॉन्टोर करेंगे हल्का सा ब्राउन लेके। जी मैं स्टूडियो में, मैं ऑरेंज स्वेटर ही पहनूंगी। पक्की होगी नाक जी, यहाँ से आप लोगों को नाक ऊंची लग रही होगी, यहाँ पे ना एक पिंपल बना हुआ है, उसका मुंह यूं करके निकला हुआ है बाहर, इसलिए टेढ़ी लग रही है नाक थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश पूरी की है। इस ब्रश के साथ चलो हाइलाइटर लगा लेते हैं, इससे हाइलाइटर लगा लेते हैं। उफ अल्लाह जी, ओह माय गॉड, परफेक्ट लुक फॉर द नाइट। अब हम अपनी ना पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं फिर लिपस्टिक लगाएंगे। ईमान शोर नहीं कर रहे, ये देखिए आई मेकअप इस लुक के साथ, हम थोड़ा डार्क भी आई मेकअप कर सकते हैं लेकिन कोई ना इतना ही बहुत है, डार्क करके किधर जाना है। अब हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, आउटलाइन होगी। अब इस हाँ जी रेड शेड लगाएंगे इसके दरमियान में, इसके ऊपर जी हम लगाएंगे इलीट। अभी मान गिर गई थी, जान निकल गई मेरी, उछलते उछलते ही मुंह लगा जमीन के नीचे, अनबैलेंस हो गई और गिर गई है। अच्छा वाला मैं इनको भी खिला के दाइम वगैरह सबकी नैपी चेंज करके अम्मी के पास बैठा के आई थी कि सुकून से बैठो, मैं ज़रा वीडियो भी बना लूँ, तैयार भी होने, तैयार भी करके आई हूँ बच्चों को भी कि सुकून से बैठ जाएंगे, खाना खाया हुआ, लेकिन नहीं, हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ हुई हुई है। अच्छा तो हम कहाँ थे, एलिट लगा रहे हैं, ये ऑरेंज कलर है दरमियान, ये देखें हल्का हल्का बस, ताकि थोड़ी फ्रेशनेस आ जाए, मेहंदी है ना। बस चलें जी, मेकअप हुआ खत्म, इधर से हम कान के पीछे और इधर से हम आगे, ठीक है जी।
हाथ पांव बहुत ड्राई हो जाए फिर हम लेंगे तिब्बत क्रीम। हाथ पे पहले लगा लेती हूँ फिर पांव पे लगाती हूँ। मेरा ख्याल है मुंह के लिए बहुत ज्यादा ऑयली कर देगी आपको, अगर आपकी ऑयली हल्की सी स्किन है हाथों को ये अच्छा करेगी। हाथों पांव के लिए मैं भी रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन मुंह पे मैं जब तक 6-7-10 दफा ट्राई नहीं कर लेती ना तब तक कुछ नहीं कह सकती। उम्मीद है जी आज का मेकअप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर जब अम्मी के साथ जाना होता है मैंने तो फिर गोल्ड पहनना पड़ता है, चूड़ियाँ पहननी हैं, इयर रिंग्स पहननी हैं, हाथों में 2 रिंग्स पहननी है और मैंने हील्स पहननी थी काफ़ी लंबी ताकि ज़रा ना लुक अच्छी निकल आए शलवार कमीज़ के साथ, ट्राउज़र शर्ट के साथ। चले जी अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखो। इस वक्त भी मेरी बस सुई हुई, अपने मेहमान गए घर से। ओके जी।